So, hello guys, welcome to my new video, and today I am show you how to download Claw mods in GTA San Andreas and how to use and क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें बेसिकली मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड में GTA San Andreas के अंदर किस तरीके से क्लो मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लो मोड बेसिकली ऐसा मोड है जिससे आप अपने गेम में हर एक चीज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक मोड माना जाता है, ठीक है, गेम का। लाइक पीसी के अंदर भी होता है एंड एंड्रॉयड के अंदर भी सेम होता है, जिसके जो आपको एक मेन्यू दिया जाता है और उस मेन्यू के ज़रिए आप अपने गेम में इतनी सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो जो आपको एक रियल मोड पैक का एक्सपीरियंस देती है, उससे भी बेस्ट मैं मानता हूँ क्लो मेन्यू होता है। बेसिकली आपको पता होगा क्लो मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जिसमें आप अपने वेदर को कंट्रोल कर सकते हो, आप चिट्स के अंदर अपने आप को लाइक जेट पैक मंगवा सकते हो, जेट पैक से लाइक जेट पैक यूज़ कर सकते हो, एंड जैसे अगर आपको पता होगा जैसे आपके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो आप अपने स्टार्स को जो है वांटेड लेवल को जो है बिल्कुल डाउन कर सकते हो, प्लस आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो, लाइक समझे हो ना, फुल लाइक अपनी ओनली चैट से फुल अपना स्लो टाइम एंड वेदर चेंज लाइक सुबह रात शाम जो करना हो करो। तो कहने का मतलब ये बेसिकली बहुत चीज़ें आप ए टू जेड अपने गेम की चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकते हो, हर एक तरीके की वेपन यहाँ से ले सकते हो, मिशन तक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मिशन अगर आपको प्रीवियस मिशन करना हो तो वो भी ऑब्वियसली कर सकते हो, एंड अपनी गेम को बुला सकते हो, बॉडी गार्ड्स को बुला सकते हो। और एक बात, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि आप अपने लाइक चिट्स के अपने मेन्यू के अंदर बहुत सारे जो चिट्स हैं वो किस तरीके से ऐड कर सकते हो, यानी कि इतनी सारी स्क्रिप्ट्स आपको मैंने दी थी उस वीडियो में जिससे आप अपने क्लो मेन्यू का मज़ा और भी ज़्यादा दुगना कर दोगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा, सो वहाँ पर जा करके आप जो है उस वीडियो के अंदर जो है स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो और इस जो मेन्यू का फ़ायदा है वो दुगना उठा सकते हो। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो, इस वीडियो में लाइक मोड को पूरा इंस्टॉल कर लो, क्लो मेन्यू किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सो ये वीडियो पूरी देखते रहो क्योंकि इस वीडियो में सभी चीज़ें आपकी जो है क्लियर होने वाली है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस मेन्यू के एडवांटेजेस आप खुद जान जाओगे जब आप इस मेन्यू को इंस्टॉल करोगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप वेपन चेंज कर सकते हो और कोई भी जो कार है वो मंगवा सकते हो कार स्पॉन के जरिए, जो कि आपको इसी मेन्यू के अंदर देखने मिलता है, हर एक चीज़ आपको देखने मिल जाती है। अपनी स्किन तक सेलेक्ट कर सकते हो, जो स्किन आप सेलेक्ट करना चाहते हो, बेसिकली कपड़े चेंज करना चाहते हो, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर आप इजीली बेसिकली कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। जैसा कि आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन के यहाँ पे मैं किस तरीके से जो अपने क्लॉथ्स है वो चेंज कर रहा हूँ और कोई भी इशू मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक गेम का जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करना है, बहुत ईजी मैथड रहेगा, सो वीडियो के साथ बने रहिए एंड लेट्स गो। सो सबसे पहले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फाइल डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको एक फोल्डर मिलेगा और एक GTA San Andreas की APK मिलेगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये जो एप्लीकेशन है आपको APK मिली है ये वर्जन 2.0 की, इस एप्लीकेशन को पहले आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन है उसको डिलीट करके और इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आपको पता होगा कैसे करना है कि नाम चेंज कर देना अपने OBB फोल्डर का और डाटा फोल्डर का और उसके बाद में फिर उसके डिलीट कर देना एंड इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में फोल्डर मिलेगा उसको यहाँ पर कट करके एंड कट करने के बाद में यहाँ पर आओ, डाटा में आओ, ठीक है, एंड्रॉयड डाटा में जा करके एंड पेस्ट कर दो, सिंपल से, ठीक है, ओके, अप्लाई टू ऑल एंड सिंपल, ठीक है, हो गया। अब अपना गेम ओपन करो और क्लो मेन्यू को ओपन करो, क्लो मेन्यू ओपन करो ऊपर से नीचे स्वाइप करके एंड मेन्यू ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मेन्यू ओपन हो चुका है। कार स्पॉन में जाके आप जैसा कि देख सकते हो कि नई नई कार्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो आप अपना मैप अनलॉक कर सकते हो, आप हर चीज़ यहाँ पे ए टू जेड या कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के, और काफ़ी वेपन्स यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। और कार स्पॉन आप जैसा कि जानते हो कि कोई भी अगर मैं मोड़ देता हूँ
आपको, और अगर आपको उसे टेस्ट करना रहता है या फिर कोई भी बेसिकली कार का मोड होता है, इंडियन कार्स मोड पैक जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, तो वो अगर आपको हो, जैसा कि आपको पता है उसमें भी मैंने कार्स बताई थी, तो आप वहाँ से कार्स फोर में जा करके अपने कार्स को देख सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत चीज़ें हैं। मिशन सेलेक्टर देख सकते हो, मिशन सेलेक्टर यहाँ पे आप एक मिशन सेलेक्ट करके बताता हूँ, तो देखो रैंडमली कोई भी एक मिशन हमने सेलेक्ट कर लिया एंड हम एक मिशन के अंदर एंटर हो गए। जैसा कि आप देखोगे तो एक मिशन यहाँ पे चालू हो चुका है और वो भी क्लो मेन्यू के जरिए। सो बेसिकली आपको अपनी जो एपीके है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपको पता हुआ कैसे करनी है, नहीं पता तो आप कमेंट में बता मुझे बोल देना। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है, पुराने एप्लीकेशन को डिलीट करके नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना और यही करना, क्योंकि आपको पता आपका गेम डिलीट हो जाएगा वरना अगर आप नाम चेंज नहीं करोगे तो OBB फोल्डर का। सो आज की वीडियो में इतना ही था। बेसिकली ये मुझे बताना था कि आप किस तरीके से कर सकते हो मेन्यू को अपने गेम में इंस्टॉल। सो आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑल्सो रिस्पॉन्स देना कमेंट के अंदर, लाइक करना वीडियो को, और हमेशा की तरह कमेंट में अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट लाइक समझो ना, रिस्पॉन्स देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Can I be your superhero?